सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ मेरा फुल बॉडी मसाज करवाने के लिए। एंड थोड़ा बहुत बॉडी को भी रिलैक्सिंग मिले एंड काफ़ी दिनों से थकावट हो गई थी, तो थोड़ा मैंने सोचा कि आज ये करवा के आती हूँ। तो इधर मैंने फुल बॉडी का पैकेज लिया है, तो अभी बस 1 घंटा लगेगा इधर सब कुछ ख़त्म होने में, तो अभी बस स्टार्ट करेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द मम्सीज ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज सुबह दियांश को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं चली गई थी, मेरा फुल बॉडी मसाज मैंने बुक करवाया था, तो वहां पे मैं गई थी क्योंकि काफी दिनों से थकावट लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा अपने आप को भी टाइम दे दे, तो थोड़ा बॉडी को भी रिलैक्सिंग लगेगा एंड अपने आप को भी थोड़ा बहुत पैम्परिंग करे तो काफी अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से सुबह सुबह मैंने बॉडी मसाज पूरा करवाया था एंड वहाँ पे भी मैंने सेशंस लेके रखा है, जैसे 1000 दिरहम में 7 सेशंस है। एंड उससे पहले वहाँ पे जैसे डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, तो मेरा पहले अपर बॉडी थोड़ा बहुत पेनिंग वहाँ पे रहता था, बैक पेन जैसा अपर पार्ट में। तो ऐसे ही मैंने वहाँ पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उसको कंसल्ट किया था, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि ऐसे आप पूरा जो सेशंस ले लो तो काफ़ी उससे भी बॉडी को आराम मिलता है एंड काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग लगता है। एंड ये जो सेशंस है वो 7 सेशंस 1 साल में ख़त्म करना होता है, तो आराम से मैं 1.5 या 2 महीने में एक लो तो भी अच्छे से हो जाता है। तो ऐसे ही मैं ट्राई करती हूँ कि 1.5-2 महीने में पूरा बॉडी को थोड़ा बहुत आराम मिले, वैसा मैं एक सेशंस बुक करवा देती हूँ। तो वहाँ पे पूरा हेड टू टोज मसाज देते हैं, तो आज मैंने बालों में भी मैंने वहाँ पे ही हेयर ऑयलिंग करवाया है एंड काफ़ी अच्छे से वो लोग जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो पूरा आयुर्वेदिक ऑयल रहता है, तो उससे बॉडी को भी अंदर की साइड से अच्छे से ऑयल जाता है एंड जो भी न्यूट्रिशन है वो मिल जाता है। तो आज मैं ट्राई करती हूँ कि पूरा ओवरनाइट ये ऑयल रख सकूँ। अभी देखते हैं, शाम के टाइम पे कहीं पे जाता है तो हेयर वॉश करना ही पड़ेगा, वरना मेरा ऐसा रहता है कि मुझे हेयर ऑयल किया है तो एक ओवरनाइट तो मैं रखती हूँ। तो बस फिर हेयर ऑयल करवाने के बाद वहाँ पे ही हेयर ऑयल बॉडी मसाज देने के बाद वहाँ पे स्टीम देते हैं, पूरा बॉडी स्टीम। तो उससे क्या होता है कि जो भी बॉडी के पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाता है एंड उससे जो भी ऑयल है वो अंदर की साइड से बॉडी में अंदर तक जाता है एंड काफ़ी अच्छा रहता है। तो वो करवाने के बाद मैं घर पे आ गई एंड 1 घंटे के बाद मैंने शावर ले लिया एंड उसके बाद घर का जो भी सुबह का जो भी रूटीन काम रहता है वो सब कुछ खत्म किया। लंच भी मेरा बन के रेडी हो गया एंड ऐसे जाना था तो मैंने सिंपल सा ही आज लंच बनाने के रखा था कि मूंग रोटी एंड राइस, तो वो भी मेरा हो गया है, पूजा भी मैंने कर दिया है एंड अभी बस कपड़े मशीन में डाले हैं एंड अभी थोड़े आधे घंटे में दियाश का आने का भी टाइम हो जाएगा। तो उससे पहले सब कुछ ये काम जो मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो थोड़ा बहुत मैं जो भी मेरा एडिटिंग का काम है वो सब कुछ खत्म करती हूँ एंड जब दियाश आता है तब आपसे मिलती हूँ। एंड प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो भी नए नए अच्छे अच्छे वीडियोज आए वो आपको देखने को मिले। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं जब दियाश आता है तब। Then, how was your day? Good. Good? What you did? How was your PE class? Good. Good. Sir took us in his room. At when? At PE time. PE time. Did you enjoy PE class? Yeah. Okay, that's great. Wow, you learned this thing? Yeah, in PE? In PE? And he will take you to the, take you to his home? Yeah, and look. But this is a line and we have to jump like this. Oh, wow. If you not touch the line, then we will not come. Okay, and sir will take you to his home. Yeah. But when? Did you ask? Next week, after 10 days, 15? No, there is one challenge. Hello guys, तो अभी शाम के 4:30-5 बजने वाले हैं एंड आज मैंने सब्जी का ऑर्डर किया था, सारी सब्जियां खत्म हो चुकी थी
तो जब भी ऐसा होता है तो ऑनलाइन भी इधर अवेलेबल होता है, जैसे सब्जी का या कुछ भी ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो एंड काफ़ी बार जो सुपरमार्केट में जाके भी मैं ले लेती हूँ, तो सुबह सुबह अगर टाइम रहा तो वहाँ पे जाके ले लेती हूँ, वरना पूरा एक हफ्ते का जो सब्जी है वो जितना जो चाहिए वो उसके हिसाब से मैं मंगवा लेती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर ही कर देती हूँ। एंड इधर मीना बाजार में काफ़ी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ पे सब्जियाँ हमारे जैसे इंडिया में मिलती है, और वहाँ पे पूरा इंडियन जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियाँ एंड फ्रूट्स, वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो मैं भी वहाँ से ही ऑर्डर करती हूँ, मीना बाज़ार में एक शॉप है वहाँ से। तो काफ़ी कुछ आज मैंने पूरा हफ्ते का, जैसे दियाश को भी एक फ्रूट बॉक्स डेली भेजना होता है तो उसके हिसाब से फ्रूट मैंने ऑर्डर किया था, एंड सब्जी भी जो जितनी चाहिए थी ये है वीक में, तो उसके हिसाब से वो भी मैंने ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि दुबई में क्या जो सब्जियाँ के एंड वेजिटेबल फ्रूट्स के प्राइस रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ। या अभी जैसे समर स्टार्ट हो गया है तो टिनली परवर सब कुछ इधर अच्छे से मिल जाता है, इंडिया का तो सब कुछ आ गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या प्राइसेस रहता है दुबई में सब्जी के, एंड क्या कुछ मैंने ऑर्डर किया है आज। तो अभी सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ ऑर्डर किया था। तो पोटैटोज़ जो है वो आधा किलो है, वो 1.5 दिरहम का है, एंड 1 दिरहम यानी कि 22 रुपीज़ के अराउंड अभी चल रहा है जो प्राइस है वो एक्सचेंज रेट। तो ये मैंने आधा किलो जितना पोटैटोज़ ऑर्डर किया था 1.5 दिरहम का। फिर हो गया ओनियन, ओनियन भी मैंने आधा किलो किया है, वो है 1 दिरहम का, तो 22 दिरहम के आसपास होगा इसका प्राइस। फिर जो लाइम, जो हमारे इंडियन लेमन आते हैं, वो 2 दिरहम के हैं। फिर ये होगा लौकी, तो लौकी 6 दिरहम का, ये पूरा मीन्स 6 दिरहम का ये लौकी। एंड ये भिंडी जो है वो 300 ग्राम है, 300 ग्राम 4 दिरहम का काउंट किया है। फिर हो गया कुकुम्बर, कुकुम्बर भी 1.5 दिरहम का है, तीन चार ही मैंने ऑर्डर किया था तो 3 भेजा है, तो वो हो गया 4 दिरहम का। फिर ये कोकोनट ऑर्डर किया था, कोकोनट जो है वो एक पर पीस 5 दिरहम है, तो दो दो मैंने ऑर्डर किया था, तो एक अभी दियांश को दिया है एंड एक ये मेरा हो गया। ये पपाया, ये 8 दिरहम का ये पपाया है, एंड जो रॉ मैंगो कच्ची वाली आती है वो 7 दिरहम की है, जो वो इसका मीन्स कचुम्बर बनाते हैं रोटी एंड आटा के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है ये इसका कचुम्बर। तो मुझे कमेंट करके बताना कि किन किन को कच्चे आम का जो कचुम्बर बनता है वो अच्छा लगता है। जो मैंगोस अभी आती है वो इधर है, तो इसकी प्राइस है 35 दिरहम का, पूरा ये बॉक्स आता है एंड 15 पीस होते हैं, तो ये पूरा 15 पीस का जो मैंगो का बॉक्स है वो इंडियन करेंसी में काउंट करोगे तो 770 रुपीज़ के अराउंड होगा। एंड इधर हो गया ये बीट रूट ऑर्डर किया था, तो बीट रूट 250 ग्राम है, वो 1.5 दिरहम का है। एंड बनाना मैंने ऑर्डर किया था, जो इलची बनाना आते हैं वो 2 ही मैंने ऑर्डर किया है, तो वो भी इधर अच्छे से मिल जाता है, तो वो 1 दिरहम का है ये। एंड जैसे इंडिया में देता है ऊपर से मसाला, तो इधर भी ऐसे मसाला देते हैं, उसमें धनिया मिर्च हो गया, कड़ी पत्ता, काफ़ी बार लेमन एंड अदरक भी रखते हैं, तो पूरा जो इंडिया में मसाला मिलता है वैसे ही मसाला इधर भी बेचते हैं।
तो आज डिनर में बनाना है किनोवा की खिचड़ी। तो उसके लिए इधर मैंने ले लिया है जो येलो वाली मूंग दाल आती है वो आधा कप, एंड जो ग्रीन छिलके वाली जो दाल आती है मूंग दाल वो ले लिया है आधा कप, एंड इसको भिगो दिया है। एंड इधर मैंने ले लिया है 1 से 1.25 कप जितना किनोवा। तो इसको मैं अभी शाम के टाइम पे भिगो दूंगी, एंड फिर दियांश को अभी नीचे लेके जा रही हूँ, वो थोड़ा बहुत खेल लेगा। फिर ऊपर आने के बाद किनोवा की खिचड़ी बना दूंगी। तो इधर ऐसे ही मैंने सोक कर दिया है ताकि जल्दी से बन जाए। जो किनोवा है वो जब बनाना है तब मैं सोक कर दूंगी, एंड दाल अभी सोक करके रख दिया है। तो बस आने के बाद तुरंत खिचड़ी बन जाएगी। त्रोणे करो चना। कम 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 कम। यस। बाय बाय। तो अभी मैं बना लूँगी किनोवा खिचड़ी। उसके लिए इधर कुकर में मैंने घी ले लिया है 2 से 3 चम्मच जितना, एंड वो अच्छे से गर्म हो जाए उसमें डाल देंगे ओनियन एंड गार्लिक। इधर मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है वो उसमें ऐड कर देंगे, एंड 2 से 3 मिनट के लिए उसको अच्छे से सौते होने के लिए छोड़ देंगे। एंड जब ओनियन का थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए उसमें डाल देना है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर इधर ले लिया है वो उसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड थोड़ा बहुत सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फिर बाद में उसमें डाल देना है जिंजर। इधर मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, एक ग्रीन चिली उसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें ऐड कर देना है जो मूंग दाल मैंने भिगो के रखा था वो उसमें ऐड कर देंगे, एंड साथ में ऐड कर देना है किनोवा जो अच्छे से मैंने वॉश करके रखा है, वो सब कुछ ऐड कर देना है। एंड जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उसके हिसाब से हम लोग पानी उसमें ऐड कर देना है। एंड इधर मैंने वेजिटेबल्स सारे डाल दिया है। इधर मैंने बीन्स पीस एंड कैरेट ले लिया है, एंड सारे पाउडर मसाले उसमें डाल देंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड गरम मसाला उसमें ऐड कर देंगे, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। एंड जितनी भी रनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उसके हिसाब से पानी उसमें ऐड कर देना है, एंड 3 से 4 विसल इसको लगा देंगे ताकि हमारी जो किनोवा खिचड़ी है वो काफ़ी अच्छी एंड टेस्टी बन जाएगी। फिर बाद में किनोवा खिचड़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। इसको रायता एंड पापड़ के साथ सर्व किया जाता है, एंड काफ़ी हेल्दी एंड टेस्टी ये खिचड़ी बनती है। तो प्लीज़ गाइस ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी।